मध्य प्रदेश की राजनीति में मामा तो चल ही रहे थे, लेकिन अब चाचा ने भी एंट्री मार ली है। और ये चाचा कोई और नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के सर्वश्रेष्ठा अरविंद केजरीवाल ने सतना में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि मामा ने तो आप लोगों को ठगने का काम किया है, प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। अब आप उन पर भरोसा मत करना, क्योंकि अब आपका बेटा, भाई और चाचा आ गया है, जिसके वादों की गारंटी 100% पक्की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने सतना पहुंचे, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी आम आदमियों की पार्टी है। आज मैं आपके बीच में आपके परिवार की बात करने आया हूं, आपके और आपके बच्चों के भविष्य की बात करने आया हूं। पूरे 75 साल में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने कभी कहा हो कि मैं आपके बच्चों का भविष्य बनाऊंगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि मुझे पता चला है कि इस प्रदेश में आप सबका एक मामा है जिसने माताओं बहनों को खूब ठगा है, लेकिन अब मामा पर भरोसा मत करना बहनों, क्योंकि अब आपका चाचा आ गया है जो आपके बच्चों के लिए स्कूल भी बनवाएगा और आपके लिए अस्पताल भी बनवाएगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि मैं जो गारंटी आपको दे रहा हूं वो पक्की है, एक एक गारंटी पूरी होगी, दूसरी पार्टियों की गारंटी झूठी है, केजरीवाल की गारंटी सच्ची है। भविष्य बनाना चाहते हो, अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हो, अगर आप अपने बच्चों के लिए योजना चाहते हो, पूरे देश में एक ही पार्टी है जो आपका और आपके परिवार का भविष्य बना सकती है, तो ये जो बाकी मैं करने जा रहा हूँ, 75 साल में किसी भी पार्टी ने जो बातें मैं करने जा रहा हूँ वो बातें आज तक किसी पार्टी ने आज तक 75 साल में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है। मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ, मेरे को आगे दिखा दो, 75 साल में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें चुनाव के पहले आपको आके कहा हो कि हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बना रहे हैं। गारंटी पूरी करी
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 75 साल हो गए, दोनों पार्टियों ने कुछ नहीं किया। दिल्ली और पंजाब में बिजली का बिल कम है, हम मध्य प्रदेश में बिजली फ्री करेंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि जैसे मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देता हूं, वैसे ही आपके बच्चों को मिलेगी। कच्चे टीचरों को पक्का करेंगे, शिक्षकों से शिक्षा के अलावा कोई काम नहीं कराया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम रोजगार की गारंटी देंगे। दिल्ली में 2 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं, हमारी नीयत साफ है, मध्य प्रदेश में भी हर बेरोजगार को रोजगार देंगे। प्राइवेट स्कूल वालों ने बेचारे बेचारे
और जब टीचरों से शिक्षा की बजाय आप सारे काम कराते हैं, कभी इलेक्शन ड्यूटी कराते हैं, कभी धरनी ड्यूटी कराते हैं, टीचरों से केवल पढ़ाने का काम कराया जाएगा। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हमारी गारंटी की किताब दूसरी पार्टियों की तरह कोई मैनिफेस्टो नहीं है, बल्कि केजरीवाल की गारंटी है। जिस तरह गंगा मैया की धारा उल्टी बह नहीं सकती, उसी तरह अरविंद केजरीवाल की गारंटी फेल नहीं हो सकती है। इसमें जो लिखा है वो पूरा होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में एक साल की सरकार में हम 31,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे चुके हैं। बड़ी कंपनियां निवेश कर रही हैं क्योंकि सरकार पर विश्वास बन चुका है। 10 दिन पहले 12,000 से अधिक शिक्षकों की नौकरियों को कच्चे से पक्का कर दिया गया है। तनख्वाह भी 3 गुना बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पहले ठंडा मतलब कोको कोला था, लेकिन अब अंडा मतलब नरेंद्र मोदी की लाइन चल रही है। चौथी पास कुछ भी कह देते हैं। आधी रात को ख्याल आया नोटबंदी कर दो, किसी ने कहा नोट का रंग आपकी जैकेट की तरह होना चाहिए, तो वैसा कर दिया। भ्रष्टाचार का है कि
बार फिर से कहने वाला हूँ कि गलतियाँ मतलब हम जो कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी City unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।